आलोक जी, ये कांग्रेस के भीतर की तकरार, कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर हुई या तकरार जस की तस है सर? देखिए, मुझे लगता है कि आज उनके चार वाक्य अभी एबीपी न्यूज पर मैं देख रहा था, उन्होंने कहा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है और जिस तरह से मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट कर गए थे उसी तरह से मैं भी तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। और तीसरा सेंटेंस है, खट्टर जी हमारी चिंता ना करें, बीजेपी की चिंता करें। तो कौन सी तकरार है, कौन सी नहीं है, आज वो मीडिया हाउसेज में भी हैं, कल परसों के उनके प्रोग्राम जो हैं तमाम वो एरिए के भी लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी आज भी केवल और केवल प्रोपगंडा फैलाकर और चुनाव लड़ना चाहती है। देश के गृह मंत्री महोदय आज ये नहीं बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में रोमाना जी खड़ी हैं वहाँ पर करनाल में 9.5 वर्ष तक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद 6 महीने फिर एक और मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने पता नहीं आज तक रिज़ाइन भी दिया है कि नहीं। जेटली जी से ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि उनका स्टाफ अभी भी जस का तस बैठा हुआ है। बड़ा भ्रम की स्थिति है कि वो मुख्यमंत्री अभी हैं कि नहीं हैं, केयर टेकर हैं कि केयर टेकर नहीं हैं। अरुण जेटली, राजीव जेटली जी ज़रूर बता के जाइएगा। अब बात आती है कि जिस 10 साल तक एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्रियों ने एक सीट का प्रतिनिधित्व किया, आज वहाँ से वो लड़ने से भाग गए। असली चीज़ तो ये है, आज जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि साहब वो दलितों का अपमान हो गया, हमारे तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित रहे हैं हरियाणा के, लगातार सीरीज में 4, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं। इन्होंने अपने 10 साल में, अमित शाह जी ने 5 अध्यक्ष बदले, कितने रोमांचे जी 10 साल में सत्ता में रहते हुए 5 अध्यक्ष बदले और 5 में से 1 भी दलित समुदाय से नहीं लिया। मतलब निर्लज्जता की भी, मतलब निर्लज्जता भी शर्मा जाएगी कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हम अब कहने लगे कि रामविलास शर्मा जी के आंसू पहुंचे क्या? अमित शाह जी, जरा रामविलास शर्मा जी का जो अपमान किया तो क्या पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान आपने कर दिया? क्या रामविलास शर्मा जी जिस तरह से फूट फूट के रोए, उसके ऊपर अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे? यहाँ पर एक तरीके से अपनी तरफ से कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया है हमारे दर्शकों के लिए। अब जवाब तो लीजिए ना, राजीव जेटली जी का रुख करते। राजीव जेटली जी, फिर ये वो दलितों के अपमान वाला दाव बीजेपी का उल्टा आपके गले तो नहीं पड़ गया? अब देख लीजिए वो किस तरीके से अपने राज्य के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जिक्र करके कह रहे हैं कि ये दलितों के अपमान करने का काम कौन करता है, बीजेपी अपने गिरेबान में जरा झांक ले। राजीव जी, कम से कम एक बात तो पुख्ता हो गई रोमाना, हम बार बार एक ही बात तो बोलते आ रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पिता पुत्र का चुनाव है, बाप बेटे का चुनाव है। और अब तो हम नहीं कह रहे हैं, अब ये बात तो कुमारी शैलजा बोल रही हैं। एक बार उनके मुंह से निकलवा दीजिए कि मैं उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तो इससे बात क्लियर हो जाएगी, चुनाव कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए, मतलब हुड्डा साहब को स्वीकार करने को कुमारी शैलजा ही तैयार नहीं है, तो आप सोचिए कि इस प्रदेश की जनता कैसे तैयार हो जाएगी। अरे जब कांग्रेस के बड़े लीडर, जो खुद के इनके मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें ही उन पर विश्वास नहीं है जो प्रदेश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रदेश की जनता के ऊपर आप कैसे छोड़ सकते हैं कि आप इनको स्वीकार कर लीजिए? भाई दलित नेता हैं और उनकी पीड़ा का अंदाज़ा लगाइए। बार बार पूछा जा रहा है उनसे कि आप मुख्यमंत्री को स्वीकार करती हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री बता रही हैं। अब या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल दें, दीपेंद्र हुड्डा जी बोल दें कि हमारी छोटी बहन है, जैसा भी बताया थोड़ी देर पहले कि हम स्वीकार करते हैं कि शैलजा जी हमारी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट होनी चाहिए, या ये बोल दें कि मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है ना, चाहे वो दलित समाज का है चाहे वो जाट समाज का है, दोनों में से कोई एक दूसरे को स्वीकार करेगा ना? मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। सुन रहे हैं आप आलोक जी, वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, रार है कांग्रेस पार्टी के भीतर, कुमारी सैलजा नहीं स्वीकार कर रही है नेतृत्व हुड्डा जी का, फिर हरियाणा की जनता कैसे कर लेगी हुड्डा जी को सीएम के तौर पर स्वीकार? जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी ने भी हुड्डा जी को कहा है कि हुड्डा जी का नेतृत्व आप स्वीकार करें। हुड्डा जी हमारे सीएलपी लीडर हैं और सीएलपी लीडर के तौर पर सभी को स्वीकार है वो। सीएम कौन बनेगा है? विधायक तय करेंगे और हाईकमान मिलकर तय करेगा। अब बात आती है कि मैं राजीव जेटली जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने कम से कम ये तो मान लिया कि सीएम तो हमारा ही बन रहा है और ये चाहते हैं कि वहां पर तो दलित सीएम बन जाए। कैंडिडेट बोला तो राजीव जी, आपकी बात को जरूर हाईकमान तक। अरे मैं तो एक बार को मान लूं आलोक भाई, मैं तो एक बार मान लूं, कुमारी शैलजा तो मानने को तैयार नहीं है ना? अरे भाई सुन तो यही तो, बीच में बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा राजीव जी, मजा नहीं आएगा। आपको पता है मैं स्टूडियो में नहीं हूँ राजीव जी, मजा नहीं आएगा स्टूडियो में नहीं हूँ राजीव जी, मजा नहीं आएगा। हाँ, बारी बारी पे अपनी बात रखिए राजीव जी प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ आलोक जी, मैं वही कह रहा हूँ, वन बाई वन करेंगे तो अच्छा रहेगा राजीव जी। ठीक है। हाँ,
देखिए, मुझे लगता है कि सीएम कैंडिडेट और पीएम कैंडिडेट ये सब जो है बीजेपी में होते हैं। हमारे यहाँ विधायक जब जीत के आते हैं और हाईकमान सब मिलके तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। 9.5 वर्ष तक एक सीएम ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद उसको हटा दिया, उसको होर्डिंग पोस्टर सब जगह से हटा दिया। आज वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी से। करनाल तो एक अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ से 10 साल तक मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया हो, वहाँ से मुख्यमंत्री छोड़कर भाग रहे हैं। हमने तो कई सवाल पूछे, भाई 10 साल में आपने 5 अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक को भी बना दें? आप केवल और केवल दूसरों पर आरोप लगाएंगे। जिन अशोक तंवर जी की बात कर रहे हैं वो NSUI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, PCC के 5 साल अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। अब उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहेगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अपमान हो गया, अपमान हो गया। अरे मोदी जी, आप और अमित शाह जी दोनों मिलकर अशोक तंवर को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? हरियाणा का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते अशोक तंवर जी। उनको कुमारी सैलजा कांग्रेस उम्मीदवार ने पटकनी दी और कुमारी सैलजा जो है वो सिरसा से सांसद चुनी गई। मैं आपके पास आ रही हूँ राजीव जी, और रिकॉर्ड मतों से हराया, रिकॉर्ड मतों से। शॉर्ट में का जवाब दे दो 30 सेकंड में, उसके बाद आप आगे बढ़िए। राजीव जी मेरा सवाल तो सुनिए ना, आप लोग कांग्रेस के भीतर तो कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा से कह दो कि वो मान लें, जबकि कांग्रेस की तरफ से तो मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंसमेंट भी फॉर्मली नहीं किया गया। वहां दूसरी तरफ आप लोगों की पार्टी में आप लोग तो खुलकर कह रहे हैं नायब सिंह सैनी हमारे सीएम के चेहरे हैं, और बावजूद इसके अनिल विज साहब जैसे बड़े नेता बीजेपी के, राव इंद्रजीत जैसे केंद्रीय मंत्री, वो सब सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सर इसका क्या मतलब, आप क्या बिरा रहे हैं सीएम की कुर्सी पर? हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट करा नायब सिंह सैनी हमारे सीएम होंगे, बहुत क्लियरली बोल दिया गया है, हमारे होम मिनिस्टर द्वारा बोल दिया गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बोल दिया गया, सबने बता दिया। लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो ये बात में भूल गया तो कह रही हूँ, उसके बावजूद अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत तक सब सीएम की कुर्सी पर दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? कोई भी कह सकता है, जो भी विधायक होगा वो इच्छा पाल सकता है इस बात की। लेकिन मुद्दा ये है, इन्होंने कहा कि हमारे NSUI के प्रेसिडेंट रहे, भाई ऐसे ही नहीं गए, वो गर्दन तोड़ दी थी उनकी, उठा के मन से नीचे फेंक दिया था, इसलिए गए वो पार्टी छोड़ करके। और यही पीड़ा तो अभी कुमारी शैलजा के मन में है, इसलिए वो नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, आप चैनल के ऊपर बैठे हैं, हम कम से कम एक बात तो हो सकती है, अरे नकली ही चाहिए, हाइपोथेटिकली कैसे भी करके एक्सेप्ट तो कर लें एक बार कि मैं हुड्डा साहब को पसंद करती हूँ। अब सोचिए, अगर एक मेंबर पार्लियामेंट जिसके नीचे 9 सीटें आती हैं विधानसभा की, उन्हीं को हुड्डा साहब पसंद नहीं है, तो वो 9 सीटों के अंदर लोग क्यों पसंद करेंगे बताइए? उनकी लीडरशिप तो वही दे रही है ना, वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट तो वही है। अब ये बताइए, 9 सीटें ऐसी हैं जो रोहतक से आती हैं, जहाँ से हुड्डा साहब आते हैं, जब वो लोग मानने मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कुमारी सैलजा के लिए आपकी इतनी हमदर्दी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन उस पर भी जरा नहीं, तो मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूँ, एक बयान आया उस पर भी जरा प्रतिक्रिया दें, जो कुमारी सैलजा ने कहा है कि साहब बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर जो है वो अपनी पार्टी की फिक्र करें, तो बीजेपी अपनी पार्टी की फिक्र कम कर रही है क्या? कुमारी सैलजा ये क्यों कह रही है? रोमाना, मैं इस बात को साइड में कर देता हूँ, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। 9 सीटें रोहतक लोकसभा में भी आती है, रोहतक लोकसभा वालों से वो पूछ लीजिए कि वो कुमारी शैलजा का जो है नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, सिरसा वाले इनको स्वीकार नहीं कर रहे और ये वाले सिरसा को स्वीकार नहीं कर रहे, तो बहुत क्लियर हो गया, दलित चेहरा कहाँ पसंद है इनको। और अगर इनको दलित पसंद नहीं है तो दलितों को ये पसंद है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, प्रश्न तो यही है। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।